तो हे गाइस, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया हो। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारी माइनक्राफ्ट की कौन वीडियो में। तो गाइस यार, मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक न्यू मोड यार, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप गन्स मोड कैसे डाउनलोड कर सकते हो अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में। और गाइस यार, ये बिल्कुल ही अपडेटेड वर्जन है इस गन मोड का, जिसका नाम है एक्चुअल गन्स 3D मोड। और गाइस यार, ये बहुत ही अच्छा मोड है, इसके अंदर आपको बहुत सारी गन्स देखने को मिल जाएंगी, जो कि यार बिल्कुल ही वर्किंग होगी, इसको आप चला भी सकते हो। तो गाइस आप देखते हो यार, मैं इसको चला रहा हूँ इस गन को। और गाइस यार, हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो गाइस यार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने के लिए। गाइस यार, मुझे यकीन नहीं था कि हमारे 1K सब्सक्राइबर इतनी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन गाइस हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो गाइस, ये सब आपके सपोर्ट के कारण हुआ है, अगर आप सपोर्ट नहीं करते तो नहीं हो पाता। और गाइस यार, अगर आप ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहे तो यार हमारे 2K सब्सक्राइबर भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। तो यार इसलिए मैं कह रहा हूं, वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, और गाइस चैनल पे यार सब्सक्राइब कर दो, जो पहली बार आ रहे हैं यार प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दो। और सब्सक्राइब करने का जो बेल आइकन होता है यार, उसको जरूर से प्रेस कर देना, मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखो। तो गाइस यहां पे मैं फर्स्ट पर्सन में आ चुका हूं। और गाइस आप देखते हो यार, क्या ही एनिमेशन आ रही है गन पकड़ने की। तो गाइस देखते हो यार, ये गन बिल्कुल ही ओपी तरीके से पकड़ा। और गाइस आप गन का लुक भी देख सकते हो यार, ये पार्ट देख सकते हो कितने क्लियरली दिख रहे हैं यार, आप इसको देख सकते हो क्या खतरनाक पार्ट दिख रहे हैं। और गाइस जैसे आप क्राउच करते हो, इसका स्कोप खुल जाएगा, देख सकते हो स्कोप भी कितना ओपी। और गाइस आपको एक हिट करना है तो ये हमारे जो काओ है वो खत्म हो जाएगी। तो यार देख सकते हो, मैं भी आपको एक आध हिट करके दिखा देता हूँ, इस काओ को मार के दिखा देता हूँ। तो यार इसका यार आपको एम के लिए पहले आपको स्प्रिट कंट्रोल ऑन करना पड़ेगा, ठीक है यार। मैंने स्प्रिट कंट्रोल ऑन नहीं करा इसलिए मैं दिख नहीं रहा है, आप स्प्रिट कंट्रोल ऑन करोगे तो यार आपको बिल्कुल ही क्लियरली दिखेगा। तो गाइस देख सकते हो यार, यहाँ पे हमने काओ को टपका दिया। और गाइस आप देख सकते हो यार, क्या ही यहाँ पे आपको गन देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे आपको यार FN यानी P90 भी देखने को मिल जाएगी। तो गाइस देख सकते हो यार, ये कितनी जल्दी खत्म कर दिया यार। तो गाइस ने कितनी जल्दी खत्म कर दिया चिकन को, गाइस आप देख सकते हो इसकी कितनी खतरनाक पावर है। और गाइस आप इसे ज़ॉम्बी से लड़ सकते हो। और गाइस यहाँ पे आपको ग्रेनेड भी देखने को मिल जाएगी, जो कि होगा चेन ग्रेनेड, आप जिसको जैसे यहाँ पे फेंकोगे। तो गाइस अभी देखना, ये देख सकते हो गाइस क्या धमाका हो चुका है यहाँ पे, गाइस कितना खतरनाक धमाका हो चुका है। गाइस को ज़्यादा मत फोड़ना, वरना यार आपका गेम लैग भी कर सकता है। और गाइस यहाँ पे ऐसी बहुत सारी आपको गन देखने को मिल जाएंगी, और यार सबके स्कोप अलग अलग होते हैं। तो गाइस आप देखोगे कितने मस्त स्कोप है। और गाइस यार, अपने फ्रेंड के साथ इसको खेल सकते हो, बहुत मजा आने वाला है, आपके फ्रेंड के साथ खेलोगे इसको। तो गाइस यहाँ पे आपको AKM भी देखने को मिल जाएगी, तो देख सकते हो क्या खतरनाक यहाँ पे आपको AK का लुक भी देखने को मिल जाएगा। और गाइस किसी भी एनिमल को आप टपका सकते हो, और अपने फ्रेंड के साथ खेल सकते हो उसको, और फ्रेंड को भी मार सकते हो। तो गाइस यार, AK का कितना खतरनाक यहाँ पे आपको लुक देखने को मिल जाता है, यहाँ पे चेन ग्रेनेड देखने को मिल जाती है। और गाइस यार, और भी आपको यहाँ पे गन देखने को मिल जाएगी, जो कि शॉर्ट गन। तो गाइस देख सकते हो यार, शॉर्ट गन क्या रिलोड मार रहा है इसका। और गाइस यार, इसको मार के दिखा देते हैं। तो मुझे यार प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी, क्योंकि मैंने स्प्रिट कंट्रोल ऑन नहीं कराया। अगर आप करोगे तो यार आपका बहुत ही अच्छा चलेगा यहाँ पे। देख सकते हो गाइस यार, मैं इसको एक बार मार के दिखा देता हूँ आपको। तो गाइस देखो, एक ही हिट में सब खत्म है, अपने फ्रेंड को मार सकते हो उसको, ठीक है। और गाइस यार, ये सारी गन आपको मिलेंगी कहाँ? तो आपको क्या करना है, आपको अपनी इन्वेंट्री ओपन करनी है, और इन्वेंट्री में यार सबसे नीचे चले जाना है। यहाँ पे आपको सबसे नीचे देखने को मिल जाएंगी बहुत सारी गन, और यार इनकी सबकी एमओ भी देखने को मिल जाएगी यार, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आप यहाँ से निकाल सकते हो, इन्वेंट्री से डायरेक्ट निकाल सकते हो, और डायरेक्ट अपने फ्रेंड के साथ खेल सकते हो। तो गाइस अब चलते हैं अपनी डाउनलोड पर। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना मेरे डिस्क्रिप्शन में। और गाइस जैसे आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहाँ पे यार आपको इस वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। तो आपको सिंपल क्लिक करके उसको ओपन कर लेना। और गाइस जैसे आप ओपन करोगे, आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। और गाइस जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारी गन देखने को मिल जाएगी, जो कि यार माइनक्राफ्ट में अवेलेबल होंगी। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। और गाइस जैसे आप सिंपल से नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, तो गाइस आपके सामने यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल से डाउनलोड वाली फर्स्ट फाइल पे क्लिक करना है। फर्स्ट लिंक पे गाइस जैसे आप क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा, तो आपको थोड़ी देर वेट करना है, तो आपका ये पूरा लोड ना हो जाए पेज। तो यार मेरा पेज लोड हो रहा है, तो मैं यार थोड़ा वीडियो को स्किप कर देता हूँ। तो गाइस मेरा पेज पूरा लोड हो चुका है, उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। और गाइस जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे भी आपको थोड़ी सी गन देखने को मिलेंगी। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, उसके बाद आपको उसको क्लिक करना है, और उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। और जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे यार आपको एग्री टू डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको सिंपल से इस पर क्लिक करना है। जैसे आप एग्री टू डाउनलोड पर क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा, उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। और गाइस यहाँ पे आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपल से अपना ब्राउजर ओपन करना है। तो गाइस मैंने अपना ब्राउजर ओपन कर लिया, और गाइस ये रही वो फाइल जो मैंने डाउनलोड की थी। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल इस पे ओपन पे क्लिक करना है। और गाइस जैसे आप ओपन करोगे, आपके सामने दो फोल्डर आएंगे, एक होगा ZArchiver का, एक होगा माइनक्राफ्ट का। अगर गाइस यार आपका माइनक्राफ्ट का ऑप्शन नहीं शो कर रहा है, तो आपको इस फाइल को दोबारा डाउनलोड करना है, वो भी क्रोम से। और जैसे आप क्रोम से डाउनलोड करोगे, आपका माइनक्राफ्ट का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको सिंपल सा माइनक्राफ्ट पे क्लिक करना है, और आपका ऑटोमेटिकली माइनक्राफ्ट ओपन हो जाएगा। तो यार मैं जल्दी से माइनक्राफ्ट ओपन कर लूँगा। तो गाइस मैंने यहाँ पे अपना माइनक्राफ्ट ओपन कर लिया, आपको भी सिंपल सा माइनक्राफ्ट ओपन कर लेना है। और गाइस जो आपने फाइल डाउनलोड की थी, वो आपकी इंपोर्ट हो चुकी है सक्सेसफुल। उसके आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा प्ले पे क्लिक करना है। और गाइस यार जैसे आप प्ले पे क्लिक करोगे, यहाँ पे कर लेना है एक वर्ल्ड को क्रिएट। तो यार यहाँ पे मैंने वर्ल्ड को क्रिएट पे लगा दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका अपना गेम मोड सर्वाइवल क्रिएटिव कुछ भी रख लेना है, ठीक है। तो यार मैं यहाँ से अपना गेम मोड क्रिएटिव रख लेता हूँ। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है सिंपल सा, और यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे हॉलीडे क्रिएटर फीचर्स के। तो आपको क्या करना है, आपको पहला और तीसरा ऑन कर लेना है, दूसरा आपको ध्यान रखना ऑन नहीं करना है। उसके बाद रिसोर्स पैक में जाना है,
माई पैक में जाना है और जो हमारा एक्चुअल गन का एड ऑन है उसको एक्टिवेट कर लेना है। बिहेवियर पैक से ही ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कर लेना है वर्ल्ड को क्रिएट। तो गाइस मैं क्रिएट करके नहीं दिखाने वाला क्योंकि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया क्या होने वाला है। तो गाइस यार आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार क्या कर रहे हो, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और सब्सक्राइब करने का जो बेल आइकन होता है उसको जरूर से दबा देना यार, हमें 2K पहुंचना है तो मुझे पता है यार आप पहुंचा दोगे। तो यार हम मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट एड ऑन में, तब तक के लिए बाय बाय।